cylindrical pillar is 50 cm height, in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. कि आपके पास एक पिलर है, पिलर के आपको डायमीटर हाइट सब कुछ दिया हुआ है, आपने कॉस्ट निकाली, इसको पेंट करने की क्या कॉस्ट आएगी इसके सरफेस एरिया। अब पिलर जो है, पिलर ये मान लो पिलर है, पिलर को जब पेंट करेंगे इसका बेस एंड टॉप तो नहीं होता, सिर्फ सरफेस एरिया होता है मीन्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया पिलर क्या होता है, 2πRh, ठीक है। सो हमें क्या क्या दिया, डायमीटर सिलेंड्रिकल पिलर इज 50, रेडियस क्या हो गया 50 कहां, दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट वी हैव गिवन 3.5 मीटर। अब कॉस्ट भी हमें क्या दी थी, पर मीटर स्क्वायर के रेट से दिए थे, इसलिए ये हमारी रेडियस सेंटीमीटर में है, इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, वी डिवाइडिंग बाय 100 सो इट बिकम 0.25 मीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर पिलर इज 2 पाई आर एच, सो पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 0.25 एंड एच इज 3.5, सो 7 7 डेसिमल में गेज का फॉर्म 10, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, इसको हम डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 100, 5 5 35, 5 2 10, 0 फिर 2 1 2, 2 11 सो कितना बन गया 11 5 55/10 मीटर स्क्वायर, सो दैट मींस 5.5 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया। अगर हम इसको आगे फिर कटिंग करते हैं तो वो फिर डेसिमल्स में आंसर हमारा 5.5 ही आएगा, ठीक है, 11/2 आ गया, जब आप कटिंग करोगे तो वो आपका सेम ही आएगा 5.5। अब हमें कॉस्ट ऑफ पिलर क्या दी हुई है पेंटिंग की, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग क्या देंगे रुपीस 12.50 पर मीटर स्क्वायर, मींस 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट आती है 12.50, कितने मीटर स्क्वायर हमने की करना पेंट 5.5, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारा टोटल एरिया कितना है जिसको हमने पेंट करना है, दैट इज 5.5, सो रुपीस 12.50 को हम क्या करेंगे 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, देन इट बिकम्स रुपीस 68.75, अब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स हट जाएंगे, क्लियर, सो दिस इज योर आंसर। तो सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, क्योंकि पिलर को जब भी हम पेंट करेंगे क्या होगा उसका कर्व पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया 2πRh जो भी कॉस्ट दी इसको आपने मल्टीप्लाई करें दैट इज द टोटल कॉस्ट, क्लियर। अब सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, सेवन क्वेश्चन सेम इसी के जैसे है, उसमें क्या है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल एक वेल है उसके इनर डायमीटर, अंदर से आपको डायमीटर दी हुई है वेल की, कि डायमीटर क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, जैसे आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है 3.5, सो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 की हाफ, दैट इज बाय 2, ये आपको मीटर में 3.5/2 आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर, दिस इज सेवन। तो अब उसके हमें पिलर नहीं है, ये हमारा क्या है वेल को लिखने, और उसके बाद क्या है हमें इसकी डेप्थ, डेप्थ मीन्स इसकी क्या है हमें एच दी हुई है, एच कितनी है आपकी इसकी 10 मीटर। तो सेम ऐसे ही अब आपने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला, जो वेल होता है वेल किस शेप में होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सो आपने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया मीन्स इनर कर्व सरफेस एरिया या आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल क्या फार्मूला बनेगा आपका 2πRh, तो सेम आपके लिए 22/7 आर आपको दी हुई है एच दी हुई है वैल्यू पुट करें, और उसके बाद उसने क्या है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दीस कर्व सरफेस एरिया रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाल ली है, यहाँ पे कॉस्ट आपको 12.50 दी हुई है, यहाँ पे कॉस्ट आपको क्या है 40 रुपीज दी है, जो भी आपका एरिया आएगा उसको आपने 40 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, क्लियर, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर।